गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। त्रिकोणमेट्री मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। त्रिकोणमेट्री का क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया है। कुछ स्टूडेंट्स ने फोन करके प्रॉब्लम दिया है, अब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं। प्रॉब्लम है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ टैन इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसे सॉल्व आपको करना है। ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी एंगल बी आपका राइट एंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है। तो आपको यहां पर टैन ए इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। टैन ए इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू के बाई रूट थ्री के। पाइथागोरस थ्योरम से हम एसी हाइपोटेनस निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस एसी निकालेंगे। तो यहां पर पी हो गया के और बेस हो गया आपका √3 के, परपेंडिकुलर के और बेस जो हुआ वह √3 के हुआ। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस होगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू √√K² प्लस √3K का होल स्क्वायर इक्वल टू √√K² प्लस √3K² इक्वल टू √√4K² इक्वल टू √2K। अब यहां पर टैन ए दिया हुआ है, टैन ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी हुआ और बेस ए बी हुआ, तो परपेंडिकुलर बी सी जो है यह के हुआ और बेस जो ए बी है वह 3K हुआ, 3K। हाइपोटेनस ए सी जो आपका आया वह 2K आ गया, 2K आया। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन यहां पर है नंबर 1 में, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इसके लिए सबसे पहले आप साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी हो गया, बीसी बाई हाइपोटेनस एसी इक्वल टू के बाई 2K इक्वल टू 1/√2। साइन ए आपका निकल गया, उसके बाद कॉस सी निकालेंगे। कॉस सी इक्वल टू कॉस सी के लिए, एंगल सी के लिए आपका बेस जो होगा वह बी सी होगा और हाइपोटेनस ए सी होगा इक्वल टू बी सी बाई ए सी इक्वल टू बी बाई एच इक्वल टू K/2K इक्वल टू 1/√2। कॉस ए आप निकालिएगा, कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच इक्वल टू ए के लिए बेस आपका बी ए बी हुआ, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए बी आपको √3K बाई ए सी जो दिया है वह 2K है इक्वल टू √3/2। कॉस ए हो गया, उसके बाद साइन सी निकालेंगे। साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सी के लिए आपका परपेंडिकुलर ए बी हुआ, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हुआ, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू रूट थ्री के बाई टू के इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। नंबर वन जो है क्वेश्चन आपका वह साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू साइन ए का वैल्यू आपका आया है वन बाई टू इंटू कॉस सी का वैल्यू आपको 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू रूट थ्री बाई टू इंटू साइन सी का वैल्यू रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू आपका हुआ 1/4 प्लस 3/4 इजकल टू एल सी एम 4 1+3 इजकल टू 4/4 इजकल टू 1। यहां पर आपका पहला जो क्वेश्चन है वह सॉल्व हो गया, वह 1 आया। अब इसी का सेकंड पार्ट कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी इजकल टू कॉस ए का वैल्यू रूट थ्री बाई टू इंटू कॉस सी का वैल्यू 1/2 है 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2 है 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू √3/2 है √3/2 इजकल टू 3/4 √3/4 माइनस √3/4 √3 × 1 √3 √3 √3 √3/4 माइनस √3/4 यह कैंसिल हुआ इजकल टू 0। यह दोनों पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। जो दिया हुआ है यहां पर कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर वन में साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, सेकंड में कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सबसे पहले यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल इसका एंगल बी आपका 90 डिग्री है। गिवन दैट टेन ए इजकल टू 1/√3 टेन ए इजकल टू 1/√3 तो आप जानते हैं कि टेन ए जो होता है टेन ए वह आपका परपेंडिकुलर बाई बेस हुआ, तो टेन ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी हुआ, यानी एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी हुआ और बेस ए भी हुआ। तो यहां पर टेन ए इजकल टू 1/√3 इजकल टू बी बाई बी इजकल टू के बाई √3 के परपेंडिकुलर के हुआ बेस √3 के हुआ। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकाला, तो हाइपोटेनस आपका जो होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर के स्क्वायर प्लस √3 के का होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 3k² इजकल टू रूट अंडर 4k² इजकल टू 2k टू के आ गया हाइपोटेनस। उसके बाद साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इजकल टू बी सी बाई ए सी इजकल टू के बाई 2k इजकल टू 1/2 कॉस सी बी सी बाई ए सी यानी बेस बाई हाइपोटेनस इजकल टू के बाई 2k इजकल टू 1/2
cos A इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस इक्वल टू ए बी बाई ए सी इक्वल टू रूट थ्री के बाई टू के इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, साइन सी पी बाई एच इक्वल टू ए सी बाई सॉरी ए बी बाई ए सी इक्वल टू रूट थ्री के बाई टू के इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, वन बाई टू इंटू वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू, यहाँ पर वन बाई टू इंटू वन बाई टू वन बाई फोर हुआ, रूट थ्री बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू इक्वल टू थ्री बाई फोर हुआ, फोर फोर का एलसीएम फोर हुआ, वन प्लस थ्री बाई फोर इक्वल टू फोर बाई फोर इक्वल टू वन। सेकेंड क्वेश्चन जो है वह कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, तो रूट थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू माइनस वन बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर माइनस रूट थ्री बाई फोर इक्वल टू जीरो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि इफ साइन ए इक्वल टू वन बाई थ्री, साइन ए इक्वल टू वन बाई थ्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। साइन ए इक्वल टू वन बाई थ्री आपको दिया हुआ है, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जिसका एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू वन बाई थ्री इक्वल टू साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहां पर पी बाई एच, तो पी आपका हो गया के और हाइपोटेनस हो गया थ्री के। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर आपका बीसी हुआ, तो बीसी यहां पर के हुआ, हाइपोटेनस एसी हुआ, हाइपोटेनस आपका थ्री के हुआ। पाइथागोरस थ्योरम से हमें वैल्यू निकालना है कॉस ए इंटू कॉस ए के टेन ए इंटू सेक ए, तो सबसे पहले आप देखिए कि हमको बेस निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस जो आपका हुआ वह रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर थ्री के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर नाइन के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर रूट अंडर एट के स्क्वायर इक्वल टू टू रूट टू के, टू रूट टू के आपका आया, यहां पर बेस आ गया टू रूट टू के, यह बेस हो गया। कॉस ए इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस इक्वल टू ए बी बाई ए सी इक्वल टू टू रूट टू के बाई थ्री के इक्वल टू टू रूट टू बाई थ्री, कॉस ए निकल गया। उसके बाद कॉसेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर एच बाई पी, हाइपोटेनस आपका हो गया ए सी परपेंडिकुलर हो गया बी सी, बी सी इक्वल टू थ्री के बाई के इक्वल टू थ्री, टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू बी सी बाई ए बी इक्वल टू बी सी के हुआ और बाई ए बी हुआ टू रूट टू के इक्वल टू वन बाई टू रूट टू, टेन ए हो गया। उसके बाद सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस
इजकल टू ए सी बाई ए बी इजकल टू थ्री के बाई टू रूट टू के इजकल टू थ्री बाई टू रूट टू। अब प्रॉब्लम जो है यहां पर कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए इजकल टू कॉस ए का वैल्यू आपका आया है टू रूट टू बाई थ्री, टू रूट टू बाई थ्री इंटू कॉसेक ए का वैल्यू आपको थ्री आया है थ्री प्लस टैन ए का वैल्यू वन बाई टू रूट टू और सेक ए का वैल्यू आपको आया है थ्री बाई टू रूट टू इंटू थ्री बाई टू रूट टू इजकल टू थ्री, थ्री यह कैंसिल हुआ टू रूट टू प्लस थ्री बाई एट, थ्री बाई एट यहां पर आपका हुआ टू रूट टू प्लस थ्री बाई एट, टू रूट टू इंटू टू रूट टू, टू इंटू टू फोर, रूट टू इंटू रूट टू टू, फोर इंटू टू एट इजकल टू एलसीएम आप लेंगे एट हुआ यहां पर हो गया सिक्सटीन रूट टू प्लस थ्री आपका आंसर आ गया सिक्सटीन रूट टू प्लस थ्री बाई एट। यहां पर जो आपका दिया हुआ है प्रॉब्लम जो दिया हुआ है इफ साइन ए इजकल टू वन बाई थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। आप जानते हैं कि साइन ए जो हुआ वह परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हुआ, एंगल ए दिया हुआ है परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए आपको बीसी हो गया, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी हो गया, हाइपोटेनस एसी हो गया। तो साइन ए इजकल टू वन बाई थ्री इजकल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर के हो गया, परपेंडिकुलर के यहां पर लिखा है, हाइपोटेनस थ्री के, हाइपोटेनस थ्री के लिए लिया। पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाला तो रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, रूट अंडर थ्री के का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, रूट अंडर नाइन के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर एट के स्क्वायर इजकल टू टू रूट टू के। अब यहां पर तोड़िएगा इसे, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर फोर इंटू टू के स्क्वायर, तो फोर का स्क्वायर रूट निकला टू हुआ, टू रूट एक टू रूट के अंदर आ गया और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो गया तो टू रूट टू के आ गया, यह आपका बेस निकल गया। उसके बाद कॉस ए कॉसेक ए टैन ए सेक ए इस सब का वैल्यू निकला, कॉस ए आपका हो गया बेस बाई हाइपोटेनस ए बी बाई ए सी इजकल टू टू रूट टू के बाई थ्री के इजकल टू टू रूट टू बाई थ्री, कॉसेक ए हुआ एच बाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर ए सी बाई बी सी इजकल टू थ्री के बाई के इजकल टू थ्री, टैन ए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस बी सी बाई ए बी इजकल टू के बाई टू रूट टू के इजकल टू वन बाई टू रूट टू, सेक ए हो गया हाइपोटेनस बाई बेस इजकल टू ए सी बाई ए बी इजकल टू थ्री के बाई टू रूट टू के इजकल टू थ्री बाई टू रूट टू। अब यहां पर कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए इजकल टू टू रूट टू बाई थ्री इंटू थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू इंटू थ्री बाई टू रूट टू, थ्री से थ्री कैंसिल हुआ तो यहां पर हो गया टू रूट टू प्लस वन से थ्री में मल्टीप्लाई किया थ्री हुआ, टू रूट टू इंटू टू रूट टू तो टू इंटू टू फोर और टू इंटू रूट टू टू तो फोर इंटू टू एट हो गया थ्री बाई एट। एलसीएम लिया यहां पर टू रूट टू बाई वन हुआ तो वन से
एट को डिवाइड करेंगे एट आएगा, और एट से जब टू रूट टू में मल्टीप्लाई करेंगे 16 रूट टू हो गया प्लस 3 बाई एट, या आपका आंसर हो गया सॉल्व हो गया। आगे इसे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम है सॉल्व कर तब आप लोगों को 45 डिग्री त्रिकोणमेट्रिक एसोस 45 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री का ज्योमेट्रिकली हम कैसे फाइंड करते हैं जिसको एग्जाम में भी पूछता है उसके बारे में भी बताऊंगा। थैंक यू। ओके।